अरब मुल्क मस्कट दे विच फसियां 11 पंजाबी औरतों विचों एक औरत दी वतन वापसी हुई है। एक औरत वतन वापस परती है। इन्हों औरतों ने वीडियो राही गुहार लगाई सी उत्थे एजेंटा की धोखाधड़ी के चलदे आए फसियां हुई ने उन्हां दी वतन वापसी करवाई जावे। इस तो बाद वक-वक समाज सेवी संस्थावां अगे आईयां ते कैनेडा वासी हरनेक रंधावा दीआं कोशिशां सदका एक औरत की घर वापसी हुई है। हरनेक रंधावा का कहना है कि अरब मुल्कां विच कई कुड़ियां फसियां हुई ने जिन्हां दे पासपोर्ट उन्हां नूं वापस नहीं किए जा रहे। वापस पहुंचे इस औरत का परिवार भी हरनेक सिंह होरां दा धन्नवाद कर रहा है। सो मस्कट दे विच 11 पंजाबी औरतां फसियां हुई सन जिन्हां वालों एक वीडियो जारी करके मदद की गुहार लगाई गई सी ते वतन वापसी लई अपील की गई सी। इन्हां 11 दे विचों एक औरत की घर वापसी हुई है। हरनेक रंधावा के अणथक प्रयासों के चलदियां एक घर वापसी हुई है ते हुण परिवार जो है इस औरत का वह हरनेक रंधावा का तहे दिलों शुक्रिया अदा कर रहा है। इतने दस दईए कि एक वीडियो जारी करके इन्हां पंजाबी औरतों ने मदद की गुहार लगाई सी जिस तों बाद कैनेडा वासी हरनेक रंधावा वालों अणथक कोशिशां कीतियां गईयां। वीर जी हरनेक है, बलजिंदर भाजी, परमपाल वीर जी एंड सारे ग्रुप वाले मेरे वीर ने सारी हेल्प करके अज मैनू इत्थे लैके आंदा वा। मैं अपने घर अपने बच्चे अपने माता पिता के विच आई हां। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हाँ अपने वीर का जिन्होंने मेरी हेल्प की। भाई हरनेक साहब जी तुहाडा दिलों धन्यवाद करते हैं जो तुसीं इन्नी हेल्प करके कुड़ियां नूं इत्थों तक पहुँचाया, इन्हां दी सहायता की, जो मैसेज भी मदद की है, जो इन्हां नूं लेके भी आए, ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हरनेक भाई का जिन्होंने इस काम की साड़ी ड्यूटी लाई। तो मेरे नाल योगेश वीर आए ने, तो बहुत धन्यवाद वीर का भी पेंडिंग साढ़े नाल ने। तो पहला भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं सारे ग्रुप वीर, अभी पहला भी कहने कि भैनों इधर ना भेजो, हाथ जोड़ के बेनती है कि इधर एक नर्क आ, तो तुम ये नर्क के जो भैन जी उन्होंने नर्क हंडाया है, तो बहुत ज़्यादा इस वे वो इमोशनल भी ने, तो वो गल भी नहीं कर सकते। उन्होंने साडे नाल वादा किया कि वो इंडिया जाके तो अपनी जो भी दर्द कहानी उन्होंने हैगी है वो सारी वो बयान करनगे। सो इन्हां महिलावां दा रेस्क्यू किया गया। कैनेडा दे हरनेक रंधावा ने दस्या कि अरब लोगों वालों 11 पंजाबी औरतों नूं उत्थे कैद करके रख्या गया जिन्हां दे पासपोर्ट भी नहीं दिते जा रहे, ते यही कारण है कि इन्हां औरतों की वतन वापसी नहीं हो पा रही। कुछ समा पहला हरनेक रंधावा होरां दी हैल्पलाइन ते उन्हां दे नाल संपर्क साध्या गया ते मदद की गुहार इन्हां औरतों ने लगाई, जिस तों बाद लगातार अणथक प्रयास भी किए गए ते उसे दा नतीजा है कि इन्हां 11 दे विचों एक औरत जो है वो वतन वापस पहुंच सकी है। कैनेडा वासी हरनेक रंधावा वालों लगातार जिहे उपराले किए जा रहे हैं ते उन्हां दे अणथक प्रयासों का ही नतीजा है कि एक औरत वतन वापस परती है। 11 औरतां ने जो कि अरब देशां दे विच फसियां होईयां ने जिन्हां दे नाल उत्थे किस तरह का वतीरा किया जा रहा है, ये हड बीती भी आने वाले समय दे विच जो औरत वापस पहुंची है वह सांझा शायद कर सकेगी क्योंकि हजे ये औरत सदमे दे विच है, काफ़ी परेशान है, ये जो इस दे नाल बीते है वह सांझा करन दे विच समर्थ नहीं है। बहरहाल जो अपील लगातार की जा रही है वह यही कि अरब देशों दे विच औरतों नूं ना भेजा जाए, महिलावां उत्थे ना जाण तां जो अजिही तशद्दत भरी जिंदगी का सामना उन्हां नूं ना करना पवे। दस दईए मस्कट दे विच ये 11 पंजाबी औरतां फसियां होईयां सी। इस ते साडे नाल तमाम गलबात खुद हरनेक रंधावा जी सांझा करनगे जो कि साडे नाल लाइव जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल राबता कायम करन दी कोशिश करांगे।
कैलिफोर्निया तो साढ़े नाल खुद हरनेक रंधावा जी जुड़ चुके ने। रंधावा साहब बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया से। पहला तो तुसी वधाई दे पात्र हो जो तुसी ये शलाघा योग काम कर रहे हो। तुहाडे उन्हां उपरालियां दे अणथक प्रयासां दे सदका एक औरत दी अज वतन वापसी हुई है। तुहाडे तो ये जानना चाहवांगे किस तरह यह पूरा जो प्रोसीजर फॉलो किया गया, जिस तरह तुहाडी हेल्पलाइन नंबर तक उन्होंने पहुंच की, उस तो बाद तुहाडे वल्लों तुहाडे एंड तो की जद्दोजहद की गई कि इन्हां औरतां दे विचों एक औरत दी अज वतन वापसी हो सकी है। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तो जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद है, तुसीं सानूं मौका दित्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दसना चाहवांगा कि एक्चुअली एक नहीं दो भैणां जिहड़ियां ने उन्होंने वापसी की है जी। और इहदे विचों करीब नौ जिहड़ियां होर भैणां ने वो इस टाइम जो मस्कट इंडियन अंबैसी है, ओमान कंट्री एक्चुअली और मस्कट जिहड़ा शहर है, मस्कट दे विच जो अपनी इंडियन अंबैसी है उहदे विच करीब नौ भैणां अजे होर भी उत्थे अपनी बारी दे इंतजार च ने, जिहड़ियां पंज तों सत महीने तों भी कई भैणां जिहड़ियां उत्थे बैठ के वेट कर रहियां ने। सो जिस तरह तुसीं इह भैण जी बारे पुछिया, सुखजिंदर कौर बारे, इह भैण जी ने साडा जो है वट्सएप नंबर मेरा कितों फाइंड आउट किया, मेरे नाल कॉन्टैक्ट किया सीगा। उस तों बाद फिर जिहड़े मेरे ग्रुप है जिहड़ा कि हरनेक रंधावा हैल्पलाइन कैनेडा जो मेरा ग्रुप है, ग्रुप दे विच जो मेरे ओमान दे मैंबर्स ने फिर मैं उन्हां दी ड्यूटी लगाई सी। फिर उन्होंने सवेरे करीब सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे एक पूरा आपां जिदां ऑपरेशन करदे आ उदां इक ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया सीगा। और सवेरे करीब 5 बजे आपां इस भैन जी नूं आपां अरबी दे घरों जो है उत्थों भजा के आपां इंडियन अंबैसी लेके आए सी। और इस तों एक हफ्ता दो हफ्ता पहलां जसप्रीत कौर नाम दी भैन ने उन्हां नूं भी असीं करीब मस्कट तो 350 किलोमीटर दूर एक छोटे जिहे शहर दे विचों रेस्क्यू करके ते इंडियन अंबैसी पहुंचाया सी। सो यह हुंदा एक्चुअली इस तरह ही है कि जो मेरे ग्रुप मैंबर्स ने मैं उन्हां दी ड्यूटी लगाना और फिर वह अपनी ड्यूटी दे विचों टाइम कढ़ के कन्विंस अपना लैके और काफ़ी दूर जो है डेजर्ट वाले एरिए दे विच जाके ये भैनों नूं रेस्क्यू करके ते इंडियन अंबैसी तक पहुँचाते हैं। और फिर अगों साडी कोशिश होंदी है कि इंडियन अंबैसी जो है उन्होंने कन्विंस किया जाए कि इन्हां दे घरां विच प्रॉब्लम है, किसी नूं फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई किसी तरीके ये इंडिया वापस जा सकन जी। हरनेक जी इत्थे तुहाडे तों वी जानना चाहवांगे इह प्रोसीजर किन्ना कु मुश्किल रहिंदा है, क्योंकि उन्हां देशां दे विच जिथे कहा जांदा है कि इन्हां नूं बंदी बना के रख्या जांदा है, इन्हां ते तशद्दद ढाया जांदा है, इत्थों तक कि पासपोर्ट्स भी इन्हां दे जो ने उह लुका लए जांदे ने तां जो इन्हां दी वतन वापसी ना हो सके। असीं इत्थे परमपाल सिंह होरां नूं भी सुन रहे सी जिन्होंने सुखजिंदर जी नूं अज एयरपोर्ट तों उन्हां दे घर वापस पहुंचाया, जो यही जिक्र करदे होए नजर आ रहे सन कि तशद्दद भरी जिंदगी जीण नालों बेहतर है कि औरतां नूं इत्थे अरब देशां दे विच भेजिया ही ना जावे, कि इस तरह औरतां नूं बन के रख्या जावे कि उन्हां नूं अरब ना भेजा जावे, या फिर यह समझिया जावे कि किस तरह का प्रोसीजर उत्थे तमाम फॉलो हुंदा है। तमाम जानकारी भी तुहाडे तों लैणा चाहवांगे ते नाले भी जानना चाहवांगे कि वाकई ही सुरक्षित नहीं है अरब दे विच औरतां नूं भेजना। मैं खुद अरब कंट्रियां दे विच रह चुके हाँ, मैं मतलब खुद अरबी का ट्रांसलेटर भी सीगा, कंपनी दे विच किसी नूं अरबी की प्रॉब्लम हुंदी सी ते मैं अरबी जाके गलबात करदा सी। सो काफ़ी लंबा टाइम जो है अरब कंट्रियां विच गुजारिया है। सो उहदे बिना ते मैं दस रहा कि किसी भी पंजाबी धी भैण नूं या किसी भी साडी इंडियन कुड़ी नूं कदे भी एज ए हाउसमेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा फर्क है वह फर्क यह है कि साडा उन्हां नाल कुछ भी नहीं मिलता, ना साडा पहरावा उन्हां नाल मिलता है, ना साडी बोली उन्हां नाल मिलती है, ना साडा उन्हां नाल खाण पान मिलता है। और उहदे बाद जिहड़ी रिमोट लोकेशन ते तुहानूं रखिया जांदा है, और जिहड़ा तुसीं कहण लगे हो कि किन्ना औखा है रेस्क्यू करना, वह तुसीं इस गल तों आइडिया लगाओ कि अगर कोई पंजाब दे विच किसी दी धी भैण नूं घरों भजा के लैके आउंदा तां किड्डा वड्डा गुनाह मन्निया जांदा है। ते असीं जो है इन्ने इहो जिहे मुल्कां दे विच जिथे इन्ने सख्त कानून ने वो अरबियां के घर जाके असं इन्हों रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्ना तशद्दुद किया होंगे जिदा कोई आइडिया नहीं है। अज मेरी एक सऊदी अरब के भैन नाल गल हो रही थी, उहदी इन्नी बुरी हालत है जिदा कोई आइडिया नहीं, उहदे माँ प्यो नूं कन्विंस करके उस बच्ची नूं सिंगापुर का कह के ते सऊदी अरब में लै गए ने। और इस टाइम वह कुड़ी नाल मतलब शरीरिक शोषण इन्ना बुरा हो रहा कि वह मतलब दस नहीं पा रही थी। और उहदा भी जो असी रेस्क्यू ऑपरेशन है विदिन दो या तीन दिन के असं उन्होंने कट के रियाद अंबैसी के पहुँचा देंगे। लेकिन यह है कि जस्ट तुसी जो मैं पहला एग्जाम्पल दिता कि अगर आप पंजाब किसी धी भैन आप घरों पहुँचाइए तो कितना बड़ा रिस्क है, तो इन्होंने कंट्रियों के जिथे इन्ना मुश्किल है, जिथे इन्ने कानून सख्त ने, किसी अरबी के घर के जाके उत्थों कुड़ी नूं कढ़ के रेस्क्यू करके लियाओ, ये बहुत वड्डा मतलब जिदा तुसीं कह सकते हो कि सिर तली ते रख के जाके अपनी जान लगा के ते इन्हां भैणां नूं असीं उत्थों कढ़दे आ। लेकिन दुख सिर्फ इस गल दा हुंदा है कि जिहड़े साडे ग्रुप मैंबर ने अपनी जान ते खेड के कढ़दे ने, लेकिन जदों जिस दिन इंडिया पहुंचदे ने उस दिन हर मीडिया से न्यूज़ पेपर के
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਨੇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਸਮੇਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਧੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਸ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖਬੂਸ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 11 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅੱਗੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹਰਨੇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ 3700 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਹਰਨੇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 500-600 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਨੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਜਸਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਰਿਆਦ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਭਜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਅਰਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾ ਦਿਲ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ।